नो गाइस, कल रात को मैंने एक पोइट्री पढ़ी, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। श्री हरवंश राय बच्चन जी की लिखी हुई एक कविता है, ये बहुत पुरानी कविता है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना कभी ना करता है। आखिर मेहनत उसकी बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो भाई बस अपनी भी कोशिश इसी तरह जारी है, नया काम करने की, कुछ अलग काम करने की और आप लोग को एंटरटेन करने की। सो वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस, जिसका नाम है व्लॉग ऑन विद प्रशांत। बाकी बातें अंदर आ जाओ। तो भाई लोगों, आज का जो व्लॉग है थोड़ा एक्सपेरिमेंटल व्लॉग है, बेसिकली एक रूटीन व्लॉग है। बहुत ज़्यादा कुछ खास है या नहीं है मुझे पता नहीं, क्या होने वाला है। तो मुझे कुछ काम से जाना है बांद्रा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक छोटा सा रूटीन व्लॉग बना कर देखते हैं, आप लोग को भी घुमा दूंगा इसी बहाने। और बांद्रा वैसे काफ़ी कुछ है वहाँ पर देखने के लिए, घूमने के लिए। तो बस गाइज, आप लोग साथ में बने रहो और कोशिश करके देखते हैं क्या बनता है, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो देखो भाई लोग, ऐसा है कि हर बार हेलो, अरे ऑटो पकड़ के आगे आना पड़ेगा ना तुमको, मैं क्योंकि गाड़ी लगाने की जगह नहीं है, थोड़ा चल कर आओ तुम्हें। हाँ आ जाओ आ जाओ, फ़ोन आ गया जो साथ में आने वाला है उसका। हर बार कोई ना कोई ट्रिप में साथ में रहता ही है। और दूसरी बात यह है कि पब्लिक की डिमांड भी बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने सोचा कि इस बार इनको अपने व्लॉग में फिर से बुला लिया जाए। कौन कौन जानता है इनको? सब पहचानते हैं मुझे। देखो भाई, तो ऐसा है कि साथ में अर्चना आ गई है, तो ऐसे आज वाले ब्लॉग में साथ में ये भी रहेगी, पूरे ब्लॉग में साथ में रहेगी। मीटिंग भी थी मेरी, तो मीटिंग तो मैं कर लूंगा जाके फटाफट, उसके बाद हम बांद्रा थोड़ा बहुत घूमेंगे, बांद्रा के आसपास की जो जगह है वो आपको दिखाएंगे। और कुछ कहना चाहोगी व्यूवर्स को? बहुत डिमांड थी तुम्हारी यार, कितना लोग मैसेज कर रहे थे। थैंक्स, आप लोगों ने मुझे इतना याद, भंडार धारा वाला, और मुझे इतना मिस किया। भंडार धारा वाला ब्लॉग देखा होगा आप लोगों ने, जिसने नहीं देखा जाकर देखो, उसमें मैडम थी मेरे साथ में। मैं दिख भी रही हूँ कि नहीं, आज मैंने नया हेयर स्टाइल बनाया तुम्हारे व्यूअर्स के लिए। शुरू तो ऐसा है भाई, डिमांड थी इसलिए इनको बुला लिया गया है, वरना अकेले हम काफी हैं, काम कर लेते हैं। चलो ठीक है, सो स्टे ट्यून और यहाँ से चलते हैं। देखिए आज जो मुंबई का टेम्परेचर है वो बहुत ही ज्यादा है, गर्मी से जूझ रहे हैं हम, लेकिन एसी कार में है तो पता नहीं चल रहा है। बच्चन साहब का बंगला ये कहाँ? दो बंगले हैं जुहू में, एक ये है, ये प्रतीक्षा है। मेकअप मतलब मेकअप किए बिना तुम्हारा कुछ हो नहीं सकता। ओहो, तुम्हारे चक्कर में मेरा पप भी नीचे गिर गया। अरे बोलो, इतना फुटेज नहीं खाना है, क्या बोलना है? बोलने ही नहीं देते ना, इसीलिए ना मैं नाराज हो गई थी, तो आप लोग मेरे दर्शन नहीं कर पा रहे थे। आज मैं फिर आई हूँ और फिर ये इंसान वही काम करना शुरू कर दिया है। लास्ट टाइम ऐसा हुआ, वो ब्लॉग देखने के बाद इसने मेरे को बोला, कहते हैं कि कितनी बेइज्जती करी तुमने मेरे ब्लॉग में। मैंने कहा यार वो ह्यूमर था, बेइज्जती नहीं थी। पकड़ो कैमरा, धीरे धीरे पता चलेगा मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर कितना अच्छा है। समझ में आ रहा है लोगों को। बाय द वे, इन्होंने कोई इज्जत नहीं दी थी मुझे, बहुत ज़्यादा इंसल्ट की थी मेरी, और मैं नाराज़ थी, मेरी मम्मी भी नाराज़ थी, किसी को अच्छा नहीं लगा था, इसीलिए मैं इनकी वीडियो में नहीं आ रही थी। बट ठीक है, दोस्त है अपना यार, है ना? वो जो बंगला था उसका नाम प्रतीक्षा था, और ये जलसा है, बच्चन साहब का दूसरा घर है। ये ऐसे इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, अब ये मत बोलना कि रुक कर फोटो दिखाओ इसका, रुक कर फोटो क्यों नहीं लिया, प्रॉपर शूट नहीं किया। अब क्योंकि हम जा रहे हैं बांद्रा, इसलिए मैं यहाँ पे गाड़ी नहीं रोक सकता हूँ, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको चलते चलते बता देता हूँ। गाड़ी रोकेंगे तो फिर प्रॉब्लम है, पार्किंग का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है मुंबई में। और बाकी पूरा व्लॉग ऐसा नहीं होगा, आगे चल के हम रुकेंगे, कुछ ऐसी डेस्टिनेशन है जो हमने प्लान करी है, वहाँ पर जाएंगे, डिटेल में बताएंगे उस जगह के बारे में। और ये है राइट हैंड साइड में जुहू चौपाटी, जुहू बीच है उसके पीछे चौपाटी बनी हुई है। कुछ बोलूंगी सिर्फ, कैमरामैन बनी रहोगी? मैं ऐसे ही ठीक हूँ, मेरा हेयर स्टाइल खराब हो गया, मुझे थोड़ा सा कैमरा पकड़ना नहीं आता है। आराम से चलाओ, ये कैमरा कितना भारी है। तुम्हें भी कुछ काम है ना बांद्रा में? हाँ हाँ, मुझे एक मेरी फ्रेंड से मिलना है, उसे एक स्क्रिप्ट लेनी है। ये इस लेन में हम लोग जा रहे हैं ना, यहाँ पर पड़ता है शाहरुख खान का बंगला मन्नत।
ये देखिए शाहरुख खान का बंगला। शाहरुख खान के फैंस यहाँ पे खड़े होकर फोटो खिंचा रहे हैं। इतनी धूप में पब्लिक खड़ी हुई है फोटो खिंचाने के लिए, सिर्फ उसके घर का जो बाहर का बोर्ड है उसके साथ सेल्फी ले रही है पब्लिक। और पीछे सीसीडी कैफे है। ये मैडम को यहाँ पे मैं बैठाऊंगा, यहाँ पर जाएंगी, इनकी फ्रेंड भी शायद यहीं पे आने वाली, उसको बुला लिया इन्होंने, तो तुम उसके साथ मिलना और मैं अपना मीटिंग यहाँ पे निपटा कर आता हूँ, मुझे जिससे मिलना है। उसके बाद थोड़ी देर के बाद हम आपसे मिलते हैं, 2 मिनट के लिए ब्रेक लेते हैं और तब तक आप नज़ारे लो बैंड स्टैंड के। मीटिंग हो गई ख़त्म। अभी जहाँ पर हम हैं ये है बैंड स्टैंड सामने, अभी जैसे आपने देखा शॉर्ट देखे, सामने सी है और ये है सीसीडी कैफे। और हमने कुछ खाने के लिए ऑर्डर दिया हुआ है, एक कॉफ़ी है और एक ब्राउनी केक। तो अभी यहाँ से कॉफ़ी पीने के बाद हम लोग जाएंगे माउंट मैरी चर्च, बहुत ही पुराना चर्च है, उसके बारे में वहीं चलकर हम बात करेंगे। तुम सड़क पे नाचोगी, सड़क पे बीच रोड पे खड़े होकर टिकटॉक वीडियो बना रही है, पब्लिक देख रही है तुमको। अब ये टिकटॉक वीडियो भी बनाएंगी, देखो व्लॉग में डाल दें वो भी। बन गया तुम्हारा टिकटॉक? नहीं बन पाया, बना दो ना तुम, पकड़ लो ना। हो गया? बहुत हार्ड बहुत हार्ड बहुत हार्ड। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे फोटो नहीं ले सकते, कैमरा अलाउड नहीं है अंदर। फ़ोन से आप शूट कर सकते हो, फोटो वगैरह ले सकते हो, तो अपना जो DSLR है वो हम अंदर नहीं ले जा सकते, लेकिन फ़ोन से या GoPro के थ्रू आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ऐसा बच्चन साहब के पिताजी बोल कर गए, हरिवंश बच्चन जी ने। जी हाँ, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हार नहीं होती, तो चलो कोशिश करके देखते हैं, मिल गया तो अच्छा है फुटेज में। इसके बारे में मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको बता देता हूँ कि ये एक रोमन कैथोलिक चर्च है और 1640 AD के दौरान बना हुआ चर्च है, बहुत पुराना चर्च है, और 1738 AD के दौरान इसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, और उसके बाद फिर से ये 1761 के दौरान इसे फिर से रिबिल्ड किया गया, और तब से लेकर अभी तक ये ऐसी ही मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। इसका जो आर्किटेक्चर है वो ब्रिटिशियंस के समय का बना हुआ है, तो देखने में बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। अगर आप मुंबई में हो तो आपको पता ही होगा, यहाँ पर हर कोई आया होगा, लेकिन अगर मुंबई से बाहर हो और कभी मुंबई आते हो तो इस जगह ज़रूर आना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप किसी रिलीजन पर बिलीव करते हो या नहीं करते हो, मानते हो नहीं मानते हो, लेकिन इसकी खूबसूरती को देखने के लिए आप एक बार ज़रूर आना यहाँ। इसके बारे में और क्या पता है आपको? पता और कुछ नहीं यार, प्रे करिए लाइफ में जहाँ भी आगे जाना। ये चर्च जिसने वो मूवी देखी थी अमर अकबर एंथनी, उसमें अमिताभ बच्चन और परवीन बॉबी का जो पहला सीन होता है, इंट्रोडक्शन होता है, वो इसी चर्च में होता है। तो ये भी एक हिस्ट्री है यहाँ की, बॉलीवुड से जुड़ी हुई, बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग भी हो चुकी है यहाँ पर। अगली डेस्टिनेशन जो है अपनी वो है बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स। तो वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर मुंबई का बेस्ट फूड ट्रक खड़ा होता है, तो वहाँ चलते हैं और शाम का जो अपना नाश्ता है यानी कि इवनिंग ब्रेकफास्ट वो वहीं पे ही करेंगे और वहीं पे ही पैकअप करते हैं आज के ब्लॉग का, क्या बोलते हो? सो फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच गए हैं, वो पीछे इधर मत देखो, ये इसमें देखो, लेंस पे देखो। सो फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच गए हैं, ये जो पीछे खड़ा है ये फूड ट्रक है, वैसे हमने ऑर्डर भी कर दिया है क्योंकि अपने त्रिपाठी थी थोड़ा वेज पे जाते हैं, तो हमने एक वेज काठी रोल ऑर्डर किया। वेज पे जाते हैं क्या मतलब, क्या वेज पे कहाँ जाते हैं, वेज खाते हैं। आजकल ब्लॉगिंग की वर्कशॉप भी दे रहा हूँ मैं, तो ये सब वही चल रहा है ना। हाँ,
तो बेसिकली ऐसा है कि देखो, हम लोग आ गए हैं BKC में, बैंड्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, और हम यहाँ पर इसलिए आए हैं कि ये मुंबई का सबसे पहला फूड ट्रक है। बेसिकली मुंबई में सबसे पहले जो फूड ट्रक का जो चलन था, यानी कि जो ट्रेंड था, वो ये लेकर आया था। उसके बाद से बाकी फूड ट्रक्स आना शुरू हुए। जब फर्स्ट टाइम ने खोला ना, तो लोग का बहुत एक्साइटेड रखे बॉम्बे में पहला फूड ट्रक आया करके। हमने सब फूड ट्रक देखा है बाहर, आउटसाइड देखा है, लेकिन बॉम्बे देखा नहीं। तो बहुत लोग इसलिए एक्साइटेड थे कि हम फूड ट्रक पे खाना खाएं, और फूड ट्रक पे खाना खाने का मतलब एंजॉय अलग है उसका। यहाँ पर बहुत सारे एक्सक्लूसिव और क्रिएटिव तरीके से इन्होंने अपने जो डिश को एक क्या फ्यूजन दिया हुआ है, और वो डिशेज क्रिएट करी हुई हैं। तो आकर खाओ, मज़े लो। और अभी हम भी जा रहे हैं, हमने भी कुछ दो चीज़ें ऑर्डर करी। क्या ऑर्डर किया? चिकन तो सोल्ड आउट हो गया था। चिकन इतना डिमांड में है। ऑर्डर क्या किया ये बताओ? पनीर काठी रोल और पाव भाजी रोल। तो ये पाव भाजी रोल इनका यहाँ का बेस्ट डिश है। तो अगर चिकन बिक गया, चिकन कर रही है, हम लोग चिकन नहीं खाते, हम वेज ही खाते, तो हमारे लिए अच्छा है। तो चलो सबसे पहले टेस्ट कर लेते हैं जो हमने ऑर्डर किया है, फिर बाकी बातें करते हैं। आ जाओ। ये पनीर काठी रोल है ना? बेस्ट पार्ट है कि पनीर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा स्मूथ है, और ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी है। तो बहुत ही सटल टेस्ट है, जो कि मुझे तो मज़ा आ रहा है खा के, क्योंकि मैं ज़्यादा स्पाइसी खाता नहीं हूँ। और ये पाव भाजी को थोड़ा सा फ्यूजन करके पाव भाजी रोल बनाया है। बेसिकली बर्गर और रोल को जो मिक्स करके पाव भाजी रोल बनाया है ये। तो ये जो फूड है ना, ये बेसिकली BKC के अंदर आप आओगे तो आपको मिलेगा, 1 BKC के अंदर। तो ये कॉर्पोरेट ऑफिस है, उसका जो प्रीमाइसेस है उसके अंदर आपको ये फूड वैन मिलेगा। और इनके जो दो और भी वैन हैं वो आने वाले हैं। एक पवई में लगेगा, पवई हीरानंदानी, राइट, समवेयर इन हीरानंदानी। और बाकी जो दो वैन है, एक पवई में लगने वाला है, और दूसरा कहाँ जाएगा? कहाँ पर? अच्छा हाँ, वीवक जो बताया। तो बेसिकली 2 BKC में लगते हैं और एक पवई में लगने वाला है। और इनकी जो वेबसाइट है, आप वहाँ पर भी जाके एग्जैक्ट स्पॉट कर सकते हो कि वैन कहाँ पर रहेंगी, ये भी आपको पता लग सकता है। तो ये भाई स्टिल करके देख लेना आप लोग, इतना सारा ये मेन्यू है, बहुत कुछ है इसमें। नॉनवेज भी है, पर फिलहाल अभी हम नॉनवेज नहीं खा रहे हैं, हम सिर्फ वेज खा रहे हैं। इनका मुंह उतरा हुआ है क्योंकि ये नॉनवेज ही खाती हैं, और इनको नॉनवेज मिला नहीं। तो हमने खाया पनीर काठी रोल और पाव भाजी रोल, तो दोनों मिलाकर हमें पड़ा 360 रुपीज़ का। तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, ओवरऑल ठीक है। अब मुंबई वाले लोगों, आप ये बताओ, अगर आप लोग यहाँ पर आए हो और आपने इस फूड वैन का खाना टेस्ट किया है, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। और अगर आपको लगता है कि ये ब्लॉग देखकर आपको मज़ा आया, क्या हुआ, मना कर रहे हैं? मुंबई के अंदर प्रॉब्लम यार ये सबसे बड़ी शूटिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, हर जगह परमिशन लो तो ये सब पंगे रहते हैं यहाँ पे। लेकिन ठीक है, कोशिश करेंगे, जैसा मैंने बोला, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो कोशिश कर रहे हैं भाई, और सपोर्ट करो तुम लोग। बहुत सारे लोग ने मैसेज किया था कि आप मुंबई में रहते हो तो यहाँ पर भी ब्लॉग्स बनाओ, तो एक दिन के अंदर अंदर एक रूटीन ब्लॉग बनाने की कोशिश करी है। अब ये आप लोग बताओ कि आपको कैसा लगा, और मुंबई के अंदर जो लोग इस ब्लॉग को देख रहे हैं, अगर आपके पास कुछ और आइडियाज़ हैं, आपको लगता है कि मुंबई के अंदर रहकर हमें और अलग अलग टॉपिक पे, अलग अलग जगहों पर जाकर ब्लॉगिंग करनी चाहिए, या आप वो जगह देखना चाहते हो हमारे चैनल पर, तो प्लीज़ हमें मैसेज करके बताओ। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा, इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। और जो नए लोग आ रहे हो इस चैनल पर, प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब किए हुए बिना मत जाना, और घंटी ज़रूर दबा देना, क्योंकि घंटी दबाओगे तो घंटी के पर निकल आएंगे और नोटिफिकेशन आपके पास उड़ती 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 पहुंच जाएगी, ठीक है। और मैं भी अपने इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स से कहूँगी कि आप प्लीज़ इस वीडियो को देखें, हमें ये प्रमोशन वाली बात बहुत ज़रूरी है। इनका इंस्टाग्राम हैंडल मैं यहाँ पर दे देता हूँ, आप इनके जाके प्रोफाइल में चेक करो, तो अगर प्रोफाइल अच्छी लगती है तो प्लीज़ इनको फॉलो करो, और अच्छी लगेगी यार, मतलब 2.5 लाख फॉलोवर्स हैं तो फिर समझ लो आपको भी अच्छा ही लगेगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पे ही ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। कैमरा कौन उठाएगा?